नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं बात करूंगा कि जो ये भारत माला जी जो भारत भारत वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया, ये शुरू होने वाला, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो कंट्री हैं। जी हाँ, दो ऐसे कंट्री बताऊंगा जो लखनऊ के लिए एयरलाइन जाने वाली है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लखनऊ जाने वाले हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लखनऊ के लिए कब, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए कब फ्लाइट जाएगी, लेकिन इसमें आपको बता दूं बहुत सारे देशों से इस समय आप बता दें कि जो 17 मई से शुरू हो रहा है सेकंड वीक, वंदे भारत मिशन जो शुरू हो रहा है 17 मई से सेकंड वीक है, इसमें दो तीन फ्लाइटें ऐसी हैं जो अलाउ की गई हैं लखनऊ के लिए। सबसे पहले बता दूं तो आपको बताऊं सिंगापुर की, सिंगापुर की बात करें तो वहां से तीन फ्लाइटें जाएंगी इंडिया के लिए जो सेकंड वीक में है। पहले फ्लाइट की बात करूं अगर जो, तो पहला फ्लाइट है जो कि सिंगापुर टू हैदराबाद, अगर जो आप सिंगापुर में रहते हो तो वहां से हैदराबाद के लिए सीधी डायरेक्ट फ्लाइट है, वाया नहीं है, सिंगापुर टू हैदराबाद आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि सिंगापुर जो इंडियन एम्बेसी वहां पे लिंक देगी, वहां पे जाके अप्लाई करिए, जो कि आपको अगर जो इंडिया ना हैदराबाद एयरपोर्ट से ताल्लुक रखते हैं तो। वहीं सेकंड फ्लाइट की बात करें तो ये फ्लाइट है, सेकंड फ्लाइट है जो सिंगापुर टू अमृतसर है, सिंगापुर तो पंजाब, ये सेकंड एयरलाइन है जो कि सिंगापुर से आएगी। वहीं थर्ड की बात करें तो बहुत सारे लोगों का, क्योंकि सिंगापुर में तो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे यूपी के लोग वहाँ पे भी रहते हैं, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट हो गया या वहाँ वो हो गया, तो वहाँ पे बात करें तो जो थर्ड फ्लाइट है वो फ्लाइट सिंगापुर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लखनऊ जाएगी। मतलब आपको बता दें लखनऊ के लिए फ्लाइट वहाँ पे, अब लखनऊ एयरपोर्ट भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अभी अभी गल्फ की बात करें तो गल्फ में भी लखनऊ एयरपोर्ट के लिए अभी तो कोई फ्लाइट, एक बस दुबई से गई थी, दुबई से एक फ्लाइट गई थी, लगभग 180 यात्री उसमें सवार थे। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि, वहीं आपको बता दें सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया से भी लखनऊ के लिए कोई फ्लाइट नहीं ऐलान किया गया है। ओमान में रहते हो तो ओमान में भी कोई फ्लाइट सऊदी अरबिया के लिए, वो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो ये सिंगापुर से ऐलान किया गया, सिंगापुर की बात उसके बाद बता दें आपको रसिया से भी ऐलान किया गया है, मतलब रूस से भी कोई फ्लाइट वहां से लखनऊ के लिए रवाना होगी, वो भी वाया ही है, डायरेक्ट तो नहीं है। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि लखनऊ के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट उस पर अनाउंसमेंट जरूर करेगी, क्योंकि लखनऊ के बहुत सारे यात्री हैं, बहुत विदेश में भारी मात्रा में उस एयरपोर्ट के आजू बाजू वाले रहते हैं, तो आने वाले वक्तों में हो सकता है। ये थे जो सिंगापुर के लिए तीन फ्लाइट वहां से जाएंगे, जो एक सेकंड वीक का वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है, तीन फ्लाइट वहां से सिंगापुर से इंडिया के लिए आएंगे, एक फ्लाइट उसमें लखनऊ के भी लिए है, लखनऊ के लिए भी है। तो अगर जो आप सिंगापुर में रहते हो तो फटाफट जाके इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करो, उसके बाद अप्लाई कर दो, फिर इंडियन एम्बेसी आपको चुनेगी घर जाना या नहीं जाना। तो ये थी जो कि सिंगापुर की न्यूज़, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।